ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फकर जमा का आया तूफान, 97 गेंदों में जड़ दिया है तिरपन शतक, रच दिया इतिहास, तोड़ दिया रोहित शर्मा का महावर्ल्ड रिकॉर्ड, वनडे सीरीज का तोड़ दिया रिकॉर्ड। बताएंगे पूरा खबर की जानकारी दिखाएंगे फकर जमा का यहाँ पर हाईलाइट वीडियो इसी वीडियो पर। उससे पहले आप लोग भी फकर जमा को एक बेहतरीन धुआंधार बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच यहां पर जो 3 मैचों का वनडे सीरीज खेला जा रहा है, यानी कि कल के दिन फर्स्ट वनडे सीरीज खेला गया था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जहाँ पर पाकिस्तान का कप्तान बाबर आजम पहले टॉस जीत के यहाँ पर जो बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, जो उनके लिए बहुत ही सही साबित हुआ, जहां पर पहले ओपनिंग पर उतरा पाकिस्तान का सलामी ओपनर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम। दोस्तों बाबर आजम यहां पर कप्तानी पारी खेलते हुए निर्धारित 60 गेंदों में थोक दिया 170 रन, जड़ दिया 17 छक्का। साथ ही मोहम्मद रिजवान भी पीछा नहीं था, 30 गेंदों की सामना करते हुए 50 रन की एक 8 दशक का पारी खेल के पूरा तरीके से बेहतरीन तरीके से शुरुआत किया। साथ ही फकर जमा आया 3 नंबर में धुआंधारी बल्लेबाजी करते हुए यहां पर पूरा ऑस्ट्रेलिया टीम का सभी गेंदबाजों को रुला के छोड़ा। 97 गेंदों में फकर जमा अकेला 309 रनों की पारी खेल डाला, जिसके अंदर 22 छक्का शामिल है। एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है वनडे सीरीज में जो 13 शतक जड़ने वाला पहला खिलाड़ी बन चुका है। भारत का दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा का रिकॉर्ड को तोड़ के फकर जमा अपना एक अलग ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है 309 रनों की एक शानदार पारी खेल के, जिसके बाद बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान का जीत मिला फकर जमा का इतना 13 शतक के वजह से ही। तो दोस्तों फकर जमा कितना धुआंधारी बल्लेबाजी को लेके आप बंदों की कीमती राय जरूर बताएं। आगे भी क्रिकेट से सभी क्रिकेट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपकी बहुमूल्य समय देने के लिए।